हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ेंगे और कैसे, पहले हेडिंग डाल लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मैं आपको सिस्टमेटिक एक एक करके कराता चला जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शंस आप क्या क्या पढ़ेंगे देखते चले जाएं। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शंस के अंदर हम आपको पूरा बताएंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे कैसे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस होती है। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फिर उसके बाद इसी टॉपिक में मैं आपको इसी के अंदर आगे डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के जस्ट बाद में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्यों होता है, उस पे व्हाई इक्विलिब्रियम प्रेजेंट, व्हाई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ये हम पढ़ेंगे, एंड इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज। फिर हम यहां पर डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज के बाद ही रेट ऑफ रिएक्शंस, और फिर हम यहां पर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अंदर आप पढ़ोगे केपी एंड केसी, ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे और उनके बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा कैलकुलेशंस ऑफ केपी एंड केसी। फिर रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ केपी केसी। एक और कंसेप्ट रहेगा हमारे पास यहां पर, कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अल्फा निकालने के बाद रिलेशंस एक और डिसाइड करेंगे यहां पर, रिलेशंस बिटवीन अल्फा एंड वेपर प्रेशर, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये भी हम यहां डिस्कस करेंगे। यहां लास्ट में हम पढ़ेंगे दी चेटेलियर, प्रिंसिपल और उसके पूरे एप्लीकेशंस हम यही ले जाएंगे। फिर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, हम यहां करेंगे और फिर लास्ट में हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ऑफ असाइनमेंट ये हमारा टारगेट रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की। इंट्रोडक्शंस
देखिए शुरू से मैं आपको बोल रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट होता है, एक रिएक्शन होती है मोल में, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन जैसे बोलते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होता है, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। तो ये अगर मुझसे पूछा जाए इसके बारे में कुछ दो लाइनें के बारे में बताएं, तो मैं यही कहूँगा, इन दिस चैप्टर वी यूज द रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हेन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक तरह से ऐसी जगह जहां हमें ऐसा फील आता है कि कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। आज ये चौक अगर ऐसी खड़ी रहे तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, लेकिन ये मूव कर रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, डायनामिक या मूवमेंट। तो कुल मिला के इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे, एक ही लाइन में लिख लेते हैं, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह की होती है, ए बी में चेंज हो रहा है और साइमल्टेनियसली बी ए में भी चेंज हो रहा है, यानी हमें किसी भी समय ए और बी दोनों दिखाई देंगे। आ रही है बात समझ में? ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन बेसिकली। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन का अलावा क्लासिफिकेशंस ऑफ रिएक्शंस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन हम कैसे करेंगे डिफाइन? हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, और वो रहेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ रिएक्शंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिएक्शंस। देखिए अगर आप सबसे पहले करना चाहेंगे तो आप कैसे बोलेंगे रिएक्शंस को, एक तरह से यहां बोलेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसको वहां पर भी पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में भी, लेकिन फिलहाल मुझे यहां पर इस टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अगर यहां पर क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो आप ही बताइए अगर कोई ए बी में चेंज हो रहा है और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या कहलाएगी, एक्सो या एंडो? एक्सोथर्मिक। और अगर कोई हीट एब्जॉर्ब करके बी में चेंज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। यानी वो सारी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक। तो रिएक्शंस हमारे पास फर्दर हम इसमें लिखना चाहेंगे तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगी, कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक तब होगी जब हीट प्रोड्यूस करे। हीट कब प्रोड्यूस करेगी, जब उसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो। जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा एनर्जी लिबरेट होती चली जाएगी। आज ये चौक मेरे पास यहाँ रखी हुई है, इसका स्ट्रांग बॉन्ड हाइट पर है या जमीन पर है, जमीन पर। जितना ज़्यादा ये अर्थ के पास आएगी इनमें ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा और एनर्जी लिबरेट होती जाएगी। वैसे ही हाल कुछ यहाँ पर है, मान लीजिए ए यहाँ पर है और ये इस तरह से नीचे जा रहा है बी में, तो एनर्जी लिबरेट होगा। यानी स्ट्रांग बॉन्ड किस में ज़्यादा है, ए में या बी में? बी में। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए, हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक रिएक्टेंट है और एक ये प्रोडक्ट है, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाले प्रोसेस को बताना है। रिएक्टेंट के अंदर वीक बॉन्ड है,
जो कि यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो केमिकल एनर्जी जो वीक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, हीट में, और जो चेंजेज हो रहा है उसको बोलेंगे चेंज ऑफ एनर्जी, और उसको हम डेल्टा एच या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं बता रहा हूं कि हमारा रिएक्टेंट जो है, जैसे ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है, कोई बॉन्ड नहीं है, अब इनमें बॉन्ड बना, तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एक तरह से उसकी अंदर केमिकल एनर्जी किसमें पहुंच जाएगी, नेगेटिव में, जीरो से कहां चल जाएगी, नेगेटिव में, तो एनर्जी जीरो से नेगेटिव में चली गई, तो वो जितनी नेगेटिव में गई हो उसी अमाउंट में एनर्जी क्या करेगी, बाहर लिबरेट कर देगी, बाहर लिबरेट करेगी, तो बाहर के लिए हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, बाहर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो जब भी बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने कोयला लिया, कोक लिया, उसको जला दिया, कागज लिया, कागज को जला दिया, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एक्सो, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ओ टू क्या बना रहे हैं, सीओ टू, सीओ टू, इसका मतलब वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है और केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। ओरल एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म, इज दैट क्लियर। इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपको तोड़ना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहां इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और ये रिएक्टेंट है, और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट, और यहां पर एक तरह से देखा जाए तो हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। मेरा मेन टारगेट आपको यह समझाना था कि यहां डेल्टा एच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस है, और बच्चों ये डेल्टा एच इस जगह क्या आ रहा है, एनर्जी लिबरेट होती है तो नेगेटिव, और एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव, इस तरह से हम लिखते हैं। लिबरेट होती है ना, तो ये आप ये बताइए, हम हमारी रिएक्शन की एनर्जी लूज हो रही है या प्रॉफिट में है, लूज है, हमें हमेशा रिएक्टेंट साइड से देखना है, रिएक्टेंट साइड से यानी सब्सटेंस से, उसका लॉस हुआ है ना सब्सटेंस का, हाँ नेगेटिव, और यहां पर सब्सटेंस का क्या हुआ है, एक तरह से उसको मिली है, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल बॉन्ड नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी हाई थी, बिल्कुल सही है, और पोटेंशियल एनर्जी हाई है तो अब यहां पर हाई से लो की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पहले मान लीजिए यहाँ जीरो है, तो यहाँ -10 हो गई, तो -10 कब होगी, जब वो 10 लिबरेट करेगा, और वो डिफरेंस ही बाहर की तरफ जाएगा, तो इस तरह से हमारे लिए एक तरह से केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, दो एनर्जी में एक समन्वय होता है, तालमेल होता है, और उसी अमाउंट में चेंजेस होते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ को समझ लिया है, अब आगे क्या और भी तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि कोई एक एग्जांपल दो जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका एग्जांपल ये है, और कोई एक और एग्जांपल दे दो, एक क्या बहुत सारे दे सकता हूँ मैं, N2+ thrice H2 फॉर्म्स अमोनिया, इसमें भी हीट निकलेगी, और अगर मुझे कहा जाए एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल दे दो, तो मैं इनको उल्टा करके लिख दूंगा, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड में अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडो हो जाएगी, अपोजिट, तो आज अगर मेरे को अमोनिया को डिकम्पोज करना है N2+ thrice H2, तो आपने इस पूरे पॉइंट में क्या सीखा, रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडो होगी, फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में एक्सो होगी। दूसरा पॉइंट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, एक्सो होगी, वीक बॉन्ड बन रहे हैं, एंडो होगी। एक और चीज, इस जगह रिएक्शन कोऑर्डिनेट है तो इस तरफ क्या रखेंगे हम, एनर्जी,
एनर्जी किसी में भी यूनिट में कर सकते हो, किलो जूल पर मोल या किलो जूल में रख लो आप, यहाँ पर भी वही पैरामीटर है, एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभी हम कोई इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम आने के लिए हमें आगे और पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शंस के बाद हमारा चला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में हम एक और तरह से क्लासिफाइड करना चाह रहे हैं, वो है होमोजीनियस हेटरोजीनियस रिएक्शंस। तो रिएक्शन का फर्दर क्लासिफिकेशन, सेकेंड टाइप होमोजीनियस हेटरोजीनियस, हेटरोजीनियस आप अक्सर देखते हैं एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, तो सेम फेज में होते ही हम उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ऑल द रिएजेंट, ऑल द रिएक्टेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, इन सेम फेज देन रिएक्शंस इज कॉल्ड होमोजीनियस। अगर आप यहां देख रहे हैं सारे एक साथ एक ही जैसे फेज में हैं, फेज का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, सॉलिड लिक्विड गैस ये तीन स्टेट होती है। गैस के अंदर कोई दो फेज नहीं होते, गैस के अंदर एक ही फेज होता है, लिक्विड में भी एक ही फेज होता है। लिक्विड यानी स्टेट और फेज सेम हो गया लिक्विड में, लेकिन सॉलिड के अंदर एटम अरेंजमेंट रहते हैं, मोनोक्लिनिक मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक सल्फर अलग अलग अरेंजमेंट रखती है अंदर इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंट फेज। आज डायमंड और ग्रेफाइट सेम स्टेट रखते हैं या नहीं रखते, रखते हैं दोनों, डायमंड भी सॉलिड है और ग्रेफाइट भी सॉलिड है, लेकिन इन सेम स्टेट रखते हुए भी इनके सेम फेज नहीं है, एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है, इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो फेज के अंदर स्टेट भी आ जाती है और स्ट्रक्चर भी आती है, आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब हम यहां पर केवल स्टेट ही नहीं देखेंगे, उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी देखते हैं। तो होमोजीनियस के अंदर हमारी डेफिनेशन क्या है, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज देन रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस रिएक्शन। तो हम जब भी इसका एग्जांपल लेंगे तो कौन सा लेना पसंद करोगे आप, या तो सारे लिक्विड हो या सारे गैस हो, सॉलिड मत लो, सॉलिड लेते ही फिर क्या होता है स्ट्रक्चर दिखेगी, तो मैक्सिमम हमारे केस यही आएंगे। तो आज अगर N2 plus thrice H2 forms thrice NH3, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सब गैस है या सब लिक्विड हो कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड का एग्जांपल ले रहे हैं R C डबल बॉन्ड O O R प्लस वाटर, ये आर सी डबल ओ एच प्लस आर ओ एच, यहां सब लिक्विड है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस, होमोजीनियस लिक्विड रिएक्शंस। अब अगर हम बात करते हैं किसके लिए, हिट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए, तो चलिए हिट्रोजीनियस रिएक्शन भी हम ले लेते हैं। होमोजीनियस रिएक्शंस, हेटरोजीनियस रिएक्शंस, ऑल द, यहां क्या लिखेंगे आप, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम
फेस आर नॉट इन सेम फेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, CaCO3 सॉलिड, आपने इसको गर्म किया, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ, ये गैस है ये सॉलिड है। अब बताइए ये होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा इस जगह, जल्दी से बोल दीजिए, इस जगह हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है, ये सॉलिड है लेकिन ये गैस है। अच्छा, आपने यहाँ पर ग्रेफाइट ले लिया और ये आपके पास डायमंड में चेंज हो रहा है। अब तो आपके पास दोनों सॉलिड है, लेकिन दोनों सॉलिड होते हुए भी इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है, यानी इनका फेज अलग अलग है, तो ये होमोजीनियस में जाएगा या हेट्रोजीनियस में जाएगा? हेट्रोजीनियस में जाएगा। तो ये हो गया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। अब बात आती है हमारे लिए और भी अच्छे से, हम फर्दर क्लासिफाइड करना चाहते हैं रिएक्शंस को, और वो है हमारे पास थर्ड नंबर का रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, मैंने आपको 1 करोड़ रुपया उधार दिया, ठीक है, दिया अच्छी बात है, आपने चुका दिया, रिवर्सिबल, नहीं चुकाया, इरिवर्सिबल, समझ में आया? तो यहां हमारे पास हो रहा है, आपने पूरी तरह से नहीं चुकाया, मैंने आपको 1 करोड़ दिया लेकिन आपने तो मेरे को 50 लाख ही दिए, तब भी आप इसको क्या बोलोगे? रिवर्सिबल, क्योंकि मूवमेंट दोनों तरफ से हुआ है, मैंने दिया है आपने दिया है, मैंने ज्यादा दिया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिया तो आपने भी है, तो यहां इरिवर्सिबल। लेकिन मैंने आपको 1 करोड़ दिया और आपने 1 रुपया भी नहीं दिया मेरे को, तो इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए क्या बोला जाएगा? मूविंग इन बोथ डायरेक्शन, हाँ, इन सेम अमाउंट, जरूरी नहीं है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में जाती है, बस यही डेफिनेशन है, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो यहां हमारे पास क्या रहेगा? रिवर्सिबल रिएक्शंस, लिख लीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस मूविंग ओनली इन सिंगल डायरेक्शंस, सिंगल डायरेक्शंस, जबकि हम यहां बोल सकते हैं इरिवर्सिबल के लिए इरिवर्सिबल रिएक्शन, गलती हो रहा है, ये हमारे लिए हो जाएगा इरिवर्सिबल और वो हमारे लिए हो जाएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस मूविंग इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का मतलब फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो ये हमारे लिए दोनों डेफिनेशंस अलग अलग है, यहां आपको लिखना पड़ेगा इरिवर्सिबल और यहां आपको लिखना पड़ेगा रिवर्सिबल। दूसरा पॉइंट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए और एंड बी, यानी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम यहां आपको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड, ये जनरली अगर हम बात करें, यहां तक तो लिखें आप जल्दी से, ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, यहां तक तो हमारे लिए सही है। हमारे लिए ये चैप्टर का पार्ट नहीं है क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम बोल सकते हैं नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, मेरा यहां इक्विलिब्रियम से मतलब होता है एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एग्जिस्ट करते हो। क्या वो हो पाएगा इसमें? नहीं, रिएक्शन शुरू हो रही है,
हो रही है, एक समय ऐसा होगा रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होगा, तो उस कंडीशन में ए बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ बी रह जाएगा, और सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर बोला जाए ए और बी दोनों नहीं होंगे, तो वो वैसा इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इक्विलिब्रियम विद सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, जबकि यहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट विद सिग्निफिकेंट अमाउंट, अमाउंट तो जब ये रहेगा तो मुझे यही पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? यहां तक नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट आप लगा रहे थे, आप कैसे लगाते थे? यहां पर एक है आपके पास 100 मोल है, रिएक्शन खत्म होगी बी के, कभी ना कभी 100 यानी 100 मोल बनेंगे बनेंगे, सही है, एक सेकंड में नहीं हो रही है, एक घंटे में नहीं हो रही है, कितने ही टाइम में हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये बोला जाता था बताओ इसके 100 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, तो हम क्या बोलते थे 100, हमें कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाता था, इसके 100 मोल है तो बताइए 10 मिनट बाद इसके कितने मोल बनेंगे, बोला जाता था? नहीं बोला जाता था, हमें टाइम की लिमिटेशन कभी भी नहीं दी जाती थी। देखो हमने यहां पर बात किया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है? नो चेंज इन अमाउंट, ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमने जो भी प्रोसेस लिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेट, इसमें इसका मतलब हो रहा है एक ऐसी पोजीशंस जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो चुका है और उस जगह जो भी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम और कोई भी पैरामीटर है एक्सेट्रा वो सबको मिला दिया जाए तो उसको कंबाइंड स्टेट में हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो चुका है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने पर प्रेशर की वैल्यू 2 atm 3 atm जो भी आ रही है वो उस इक्विलिब्रियम के स्टेट कराएगी, उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह का प्रेशर, उस जगह का वॉल्यूम, उस जगह के मोल, उस जगह कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। एक अलग इक्विलिब्रियम का किसी और इक्विलिब्रियम सेम रिएक्शन होते हुए भी, जरूरी नहीं है कि उनकी स्टेट के सारे पैरामीटर सेम हो, इक्विलिब्रियम स्टेट अलग अलग हो सकती है सेम रिएक्शन के लिए भी। इज दैट क्लियर? इतना दिमाग में बिठा के चलना कि इक्विलिब्रियम स्टेट डिपेंड्स ऑन रिएक्शंस, नेचर ऑफ रिएक्शंस, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ रिएक्शंस। सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया है तो मैं हो सकता है इक्विलिब्रियम बनाते वक्त तुम्हारे को 1 लाख रुपए दे दूं, लेकिन अगर शुरुआत में ही मैंने 1 लाख रुपए लिया है तो क्या मैं 1 लाख रुपए देके इक्विलिब्रियम बना पाऊंगा क्या? नहीं। अब मैं कितना दूंगा? शायद हो सकता है 2000 रुपए दे दूं आपको या 1000 रुपए दे दूं, तो क्या उस वाले इक्विलिब्रियम के पैरामीटर और इस वाले इक्विलिब्रियम के पैरामीटर अलग अलग है इक्विलिब्रियम के? हाँ है, इक्विलिब्रियम स्टेट अलग अलग है, हो सकती है, जबकि देने वाला मैं हूं लेने वाले आप फिक्स हैं, फिर भी हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के पैरामीटर डिपेंड्स करेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां से स्टार्ट हुई थी और किस में इक्विलिब्रियम बनाई है, किस कंटेनर में इक्विलिब्रियम बनाई है आपने। आ रही है बात समझ में? बहुत सारी चीजों पे। अब आती है कि इक्विलिब्रियम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक हो गया स्टैटिक, एक हो गया डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो मूवमेंट, कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं हो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ या ये बोर्ड खड़ा हुआ है, कल आके देख लो यहीं रहेगा, तो इक्विलिब्रियम है या नहीं है? है, ये हमारे लिए क्या हो गया? स्टैटिक है, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी है, वो ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट है, और सामने पैरेलल में वैसी एक और ट्रेन जा रही है, दोनों एक दूसरे के लिए स्टैटिक है, लेकिन बाहर वाले के लिए क्या दिख रहा है? डायनामिक। तो ओवरऑल वो इक्विलिब्रियम में होते हुए भी ऐसा क्या है अपने आप में, एक इक्विलिब्रियम में होते हुए भी उनमें मूवमेंट है, तो उसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम विद मूवमेंट इज कॉल्ड डायनामिक। मैं आपको 1 लाख रुपया है मेरे पास, मैंने आपको 1 भी रुपया नहीं दिया तब भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि मेरा अमाउंट चेंज हो रहा है, स्टैटिक। मैंने 1 लाख रुपया है और 1000 रुपया आपको दिया और साइमल्टेनियसली 1000 रुपया आपसे ले भी लिया, डायनामिक इक्विलिब्रियम विद मूवमेंट, क्योंकि मेरे अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए। वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो मैं दू नहीं, या जितना दू उतना ले लूं, ठीक है, जितना देके उतना ले लिया, डायनामिक, दू नहीं स्टैटिक। आगे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम तो हमारे लिए दो तरह का क्लासिफिकेशन है, फिजिकल केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी फिजिकल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा लेकिन केमिकल नहीं करेगा। केमिकल कौन सा होता है? कोवलेंट कोऑर्डिनेट। और फिजिकल कौन से होते हैं? वांडरवाल हाइड्रोजन। तो अगर वांडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्ड ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या कहलाएगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे आइस वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला भी H2 है, इसका भी H2 है,
तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड टूटा नहीं, तो नहीं टूटा तो ये इक्विलिब्रियम जो बनेगा वेपराइजेशन या फ्यूजन, ये किसके एग्जांपल होंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम के। लेकिन केमिकली बॉन्ड अगर पार्टिसिपेट करता है तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उस जगह बनने वाले इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे H2 plus Cl2 twice HCl, केमिकल इक्विलिब्रियम दिख रहा है, कंपाउंड चेंज हो रहा है। N2 plus thrice H2 अमोनिया इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक बात फिर मैं बोलना चाहता हूं, ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम आर एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मे बी डायनामिक और स्टैटिक, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज एग्जांपल ऑफ डायनामिक विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ये दोनों अलग-अलग तरह से क्लासिफिकेशन है, स्टैटिक डायनामिक वाला और ये केमिकल केमिकल एंड फिजिकल। समझ में आ रहा है? एक बात और मैं आगे बोलूंगा, अगर केमिकल स्पीशीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, लेकिन एक भी आयनिक लिख दिया, आयन लिखते ही आप इसको फिर एक और डिवाइडेशन कर सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसको आप नेक्स्ट चैप्टर बना लेंगे। आयन दिखा नहीं कि सेम केमिकल इक्विलिब्रियम को उठा के क्या बोलने लग जाओगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। आ रही है बात समझ में? इसको लिखें आप। देखिए हमने एक केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज। तो हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा केमिकल सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। खास तौर पे हम यहां पर बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, ऑल द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशंस, कलर इंटेंसिटी, एक्सेस्ट्रा रिमेन्स कॉन्स्टेंट या रिमेन्स सेम। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है इक्विलिब्रियम की फिर, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, यानी आप ये मान के चलिए कि एक बार इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया तो ये सारे चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा, हम यहां पर बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए मान लीजिए आपके पास ए बी में चेंज हो रहा है, तो क्या केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट पे ए और बी के मोल सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ऐसा कहीं नहीं लिखा हो। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर ये रिवर्सिबल है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेट द क्वांटिटी ऑफ, या दो मोल लिख लीजिए अपना, मोल ऑफ ए एंड बी मे और मे नॉट बी सेम। जरूरी नहीं कि सेम हो, बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये जरूरी है। कॉन्स्टेंट होना बहुत जरूरी है। मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत में 1000 रुपए हैं, आपके पास 0 रुपए हैं, कोई इक्विलिब्रियम है अभी तक नहीं है। मैंने आपको 50 रुपए दिए, आपने बदले में मेरे को 20 रुपए दिए। मैंने फिर आपको 40 रुपए दिए, बदले में आपने 10 रुपए दिए। ऐसा प्रोसेस होता गया, एक समय आपके पास 500 आ गए, मेरे पास 500 आ गए, और अब जितना अमाउंट मैं दे रहा हूं आप उतना ही दे रहे हो। इक्विलिब्रियम है या नहीं है? है। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास 700 होते, 300 रुपए आपके पास होते, ठीक है, और उस कंडीशन में जितना मैं आपको दे रहा हूं उतना ही आप मेरे को दे रहे हो, तब भी इक्विलिब्रियम है या नहीं है? है। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो कांस्टेंट तब रहेगा जब
जितना ए बी में कन्वर्ट हो उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो। तो अगर आप मुझसे यहां पूछ रहे हैं तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए के शुरुआत में 10 है, ए शुरुआत में 10 है और इस तरह से आया और ये इस तरह से आया, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट है या नहीं है? है। यहां पर ए की वैल्यू हम ब्रैकेट में लगा रहे हैं, अभी ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन ये होता है, ए की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर बी के बराबर है या नहीं है? है, इस जगह है। और इस टाइम को जब पहली बार बराबर हुए थे या पहली बार इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ था उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम को क्या बोलेंगे, टी इक्विलिब्रियम। इस तरफ टी चल रहा है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अब ज्यादा सही है, इसका अमाउंट गिर रहा है, इसका अमाउंट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, समझते जाएं। ये 10 है, ये 2 हो गया, 2 हो गया, तो ये इस तरह से हो गया, पक्का हुआ या नहीं हुआ? और ये 8 होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा इस तरह से। थोड़ा कर्व को और सही कर लेते हैं हम, तो जब ये इस तरह से बढ़ रहा है तो हमारे पास एक जगह तो ऐसी आएगी कि दोनों के बराबर होंगे, अब आपको फील आना चाहिए। ये मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 8 है, तो बताइए ये इक्विलिब्रियम है या ये इक्विलिब्रियम है? कोई एक इक्विलिब्रियम होगा, जल्दी से बताइए। जब दोनों का अमाउंट बराबर है तब इक्विलिब्रियम है, या जब दोनों का अमाउंट कांस्टेंट है तब इक्विलिब्रियम है? कांस्टेंट है तब इक्विलिब्रियम है, यानी ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ में आ रहा है? ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट कांस्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोला है इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और दोनों ए और बी एक दूसरे के बराबर हो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि दोनों के अमाउंट बराबर हो जाए, आ रही है बात समझ में? तो यहां आपके पास मान लीजिए ये इस तरह से आ रहा है और मान लीजिए ये इस तरह से आ रहा है, ए और ये ए है और ये बी है, तो जैसे ही दोनों के कांस्टेंट होगा, इसके बाद थ्रू आउट द कांस्टेंट है, इसके बाद ये भी कांस्टेंट है, तो ये टी इक्विलिब्रियम होगा। हाँ समझ में आ रहा है? तो कुछ खास पॉइंट जो आपको रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, रिजल्ट रिएक्टेंट हमेशा रिएक्टेंट स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होंगे, क्योंकि शुरुआत में रिएक्टेंट ही लोगे आप। तो बी यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ था? ये चालू हुआ था बी, ये ए, ठीक है। बी कहां से स्टार्ट हुआ है? जीरो। और ए कहां से स्टार्ट हुआ है? नॉन जीरो वैल्यू से। और प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो वैल्यू, प्रोडक्ट को हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? जनरली, जनरली बात कर रहा हूं, जो ट्रेंड हमारा है कि वो जीरो से स्टार्ट होगा, तो बी प्रोडक्ट होगा और ए रिएक्टेंट होगा। क्या दोनों के अमाउंट इक्विलिब्रियम पे कॉन्स्ट सेम होंगे? जरूरी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट बने रहेंगे ये जरूरी है। क्या दोनों के अमाउंट पे कमेंट किया जा सकता है कुछ हद तक? हाँ, देखो बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, हेडिंग यही रहेगा और वो हेडिंग रहेगा हमारा
क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशियंट एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस या अमाउंट। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके पास ऐसा हो सकता है ए कन्वर्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम भी बना रहा है, बी मोल ऑफ बी प्लस सी मोल ऑफ सी। आप यहां पर गुरु मंत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा, ए के शुरुआत में जो भी मोल दिए हुए वो उसको हम टी इक्वल टू जीरो बोलेंगे और क्या लिख देंगे ए नॉट। हम नहीं जानते बी और सी कितना बनेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पर ये ए ई क्यू कहलाएगा, ये बी ई क्यू कहलाएगा और ये सी क्या कहलाएगा, ई क्यू कहलाएगा। समझ रहे हैं, ये क्वांटिटी अभी हम मोल में लें या कंसंट्रेशन में लें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आ रही है बात समझ में। लेकिन एक बात आपके लिए जरूरी है कि अगर ए नोट माइनस ए ई क्यू की बात करें ये हमेशा कम होगा और ये क्या बढ़ेगा, जीरो। शुरुआत में कितना था, जीरो, ये शुरुआत में कितना है, जीरो। बी ई क्यू माइनस जीरो, सी ई क्यू माइनस जीरो डिवाइड, उसमें इसी का कॉफिशियंट डिवाइड कर दो, बराबर होंगे। यानी एक तरह से ये क्या होंगे, इसके रिएक्टेड मोल हो गए इनिशियल माइनस फिनिश, ये इसके क्या हो गए, प्रोड्यूस मोल हो गए, जीरो से इतने बने, ये इसके प्रोड्यूस मोल हो गए, ये इतने बने। तो यहां से हमें ए और बी में कॉफिशियंट मिल जाएगा, मिल जाएगा और हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि ना हमें ए दिया जा रहा है ना बी दिया जा रहा है, डायरेक्ट हमें कर्व दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें कर्व दिया जा रहा है और कर्व इस तरह से दिया जा रहा है कि ए कन्वर्ट हो रहा है एन बी में। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां 10 था, यहां हमारे पास क्या आ रहा है, 2, पक्का। और हमें यहां पर समझ में आ रहा है, तो बताइए फाइंड एन करना है, आप क्या करेंगे, आंसर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे आप, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये कर्व क्वेश्चन का पार्ट है। आप कैसे करेंगे, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, और इसके लिए क्या करेंगे, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एन। तो बता सकते हैं एन की वैल्यू क्या होगी, 4/8 यानी 1/2। बोलो कर सकते हो आप, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10 माइनस 2 क्योंकि 10 इनिशियल थे, आप 2 है, खत्म कितने हुए, 8। 8 डिवाइडेड बाय 1, 1 क्यों, क्योंकि कॉफिशियंट 1 है। इसके शुरुआत में कितने थे, 0, और अब कितने हैं, 4, यानी 4 माइनस 0 यानी 4/n। n की वैल्यू निकालनी है, n उधर गया 4/8, 8 यानी 1/2, तो आपका n का आंसर यहाँ पर 1/2 होगा। तो यहां आपको कई बार ऐसा होगा जब आपको n निकालना पड़ेगा, और भी थोड़ा सा टफ किया जा सकता था इस एग्जाम्पल को, समझिएगा कैसे। एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है यहां 1 दिया हुआ है इसको, और ये बी बी और सी सी इस तरह से दिया जा रहा है। फाइंड करना है आपको बी एंड सी, बी एंड सी फाइंड करना है आपको, और आपको कर्व दिया हुआ है। टेन, टेन से आपको ले गई ये 1, और यहां पहुंचा दिया आपको 6, और यहां पहुंचा दिया आपको 3, ये दिया गया है बी। तो बताइए ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिएक्टेंट होगा ए, इसको बताने की जरूरत नहीं थी। और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ये बी है ये ए है तो ये क्या होगा, सी, सी ही होगा रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट होगा, ये भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमेशा कहां से चालू होगा, जीरो से, और रिएक्टेंट कहां से चालू होगा, नॉन जीरो वैल्यू से। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड बी एंड सी,
अब आप क्या करेंगे सॉल्यूशंस? सुनील लखोटिया अप्रोच, मेरी अप्रोच, मेरे नाम से मेरी अप्रोच होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर अप्रोच, जल्दी से बताएं सुनील लखोटिया अप्रोच कैसे चलेगी यहाँ पर। ए के लिए देखिए वही फॉर्मुलेट, ए नोट माइनस ए इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू बी इक्विलिब्रियम माइनस जीरो डिवाइडेड बाय बी, सी इक्विलिब्रियम माइनस जीरो डिवाइडेड बाय सी। तो बताइए ए नोट की वैल्यू कितनी है, टेन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन। बी इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी नहीं है, सिक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाय बी। सी इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी है, थ्री माइनस जीरो डिवाइडेड बाय सी। तो इस कैलकुलेशन से बी की वैल्यू क्या आएगी, बी उधर जाएगा सिक्स बाय टेन, और सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, थ्री बाय टेन नहीं आएगा, ये नाइन आएगा, सिक्स बाय नाइन, और यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री बाय नाइन, यानी ये आएगा टू बाय थ्री और ये आएगा वन बाय थ्री। कर सकते हैं आप, दोनों वैल्यूज निकाल लिया आपने। अगर आपने कोफिशियंट निकालना सीखा है इसमें, तो आपको आगे इसकी एप्लीकेशन भी मैं और यूज करूंगा। देखो हम वापिस आ रहे हैं वाई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट या वाई इक्विलिब्रियम कंसेप्ट्स, वाई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि भाई क्या जरूरत आ रही है कि इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्शन रुक रही है, पूरी हो जाती या शुरू ही नहीं होती, समझ रहे हो ना? या तो पूरी हो जाती है या होती नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, ये चौक को मैं छोड़ूंगा तो ऐसा थोड़ी ना ये हवा में जाके अटक जाएगी, या तो गिरेगी नहीं, गिरेगी तो पूरी नीचे तक गिरेगी जहां तक गिरना है, पक्का। तो ये हमारे लिए हो रहा था थिंकिंग कि यार इक्विलिब्रियम हो क्यों रहा है, क्यों रिएक्शन आधी जाके या 90% जाके या 80% जाके रुक जाती है, समझ में आ रहा है? तो एक बात तो क्लियर थी कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन 100% कंज्यूम नहीं होती है, नहीं हो पाती है, बीच में जाके कहीं रुकती है, और उसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। लेकिन बीच में जाके क्यों रुक रही है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा आपको। उसको ऐसे समझो आप कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती क्यों है, किसी ने कहा साहब इससे एनर्जी लिबरेट होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, मैंने कहा सही है। तो यहाँ आपको दो चीज़ें पढ़नी होती है कि रिएक्शन होती क्यों है, पहले तो ये इस क्वेश्चन का आंसर डालना है, व्हाई रिएक्शंस अकर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास आ गया तो आप इक्विलिब्रियम भी बता दोगे। देखो कभी भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है तो दो तरह की एनर्जी पार्टिसिपेट कर रही होती है, एक जिसे आप हीट के तरह से जानते हैं, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, पक्का। अगर हम यही एक मानक ले लेते, यानी स्टैंडर्ड ले लेते कि जिसमें भी एनर्जी लिबरेट होगी वो होगी, तो फिर तो हमारी बात ही खत्म हो गई। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो फिर तो रिएक्शन पता है इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब पूरी खत्म हो जाएगी तब, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा हीट निकलेगी, और कन्वर्ट होगा और हीट निकलेगी, और कन्वर्ट होगा और हीट निकलेगी, जितना ज्यादा कन्वर्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ाना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं तो पूरी रिएक्शन खत्म हो जाए, अच्छा है, समझ में आ रहा है? तो ये तो रहा हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट कि यानी रिएक्शन होने के पीछे में दो एनर्जी वर्क कर रही होती है, एक नहीं कर रही होती है, एक तो एनर्जी है आपके पास हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी, एक और वर्क कर रही होती है जो आपको बता रही होती है, क्या बता रही होती है, एंट्रोपी के फॉर्म में। ये भी अपने आप में एक एनर्जी है। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, समझना मुझे बांध दिया गया है रस्सी से, पक्का, तो मेरे को मजबूरी है मेरे को यहीं खड़ा होना है, तो मेरे अचानक किसी ने कह दिया कि आपकी रस्सी खोल दी गई है लेकिन आपके चारों ओर दीवारें बना दी गई है, अब मेरे को घूमने के लिए पूरा एक रूम मिल जाएगा, तो क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई? ऐसा लग रहा है बढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसी प्लेन में घूम रहा हूं जिस प्लेन में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए घूमने का एरिया बढ़ा दिया। तो ये भी अपने आप में एक एनर्जी होती है। आज एक ड्रॉप है इंक की, कोई भी इंक मान लीजिए, ब्लैक इंक को आपने पानी में डाल दिया, वो चाहेगी ज्यादा ज्यादा दूर दूर तक फैले,
यानी कहीं ना कहीं डिसऑर्डरनेस ले, उसको बोलते हैं एंट्रोपी, यानी फैलना, डिसऑर्डरनेस बढ़ना। यानी यहां पर एंट्रोपी का मतलब आपके लिए क्या है, ज्यादा एरिया डिस्पर्स होना, यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब हो रहा है एक तरह से डिसऑर्डरनेस। तो हमारे लिए दो वैल्यू हो गई, हम चाहते हैं डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, और डिसऑर्डरनेस बढ़े। डिसऑर्डरनेस को हम बात करेंगे डेल्टा एस, वो पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां हमारे लिए डिसऑर्डरनेस है, कोई डाउट? तो अगर हम डेल्टा एच को बात करें तो ये नेगेटिव है, रिएक्शन 100% रिएक्शन हो जाएगी, 100% रिएक्शन कंप्लीट, 100% कंप्लीट पूरा, अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि डेल्टा एच हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन नहीं होना चाहती लेकिन इसकी वजह से हो जाए कुछ, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो इसका मतलब पार्शियली होगी रिएक्शन, पार्शियली कंप्लीट। या फिर आप मान लीजिए डेल्टा एच नेगेटिव, ये चाहता है हो जाए और ये चाहता है नहीं हो, तब भी पार्शियली होगी। और अगर डेल्टा एस अपने आप में पॉजिटिव हो और डेल्टा एच अपने आप में पॉजिटिव हो, डेल्टा एस नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, तो पता है क्या होगी, 0% रिएक्शन कंप्लीट। समझना इसको ऐसे करना, हम कब सुधरेंगे, समझ रहे हैं बात को, हमें कब अच्छा लगेगा, सुधरेंगे नहीं कब अच्छा लगेगा, मम्मी भी प्यार करे पापा भी प्यार करे, ठीक है, मम्मी भी डांटे और पापा भी डांटे तो हम गए काम से, मम्मी प्यार करे पापा समझा ले, पापा प्यार करे मम्मी समझा ले, वही चीज हो रहा है। यानी ये फेवर वाला है, ये भी फेवर वाला है, मजा आ जाएगा 100% रिएक्शन, ये फेवर वाला है, नहीं सॉरी अनफेवर वाला है, और ये फेवर वाला है, पार्शियली अच्छा लगेगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा, ये वाला इस जगह फेवर है, ये अनफेवर है, इक्विलिब्रियम तब भी बना रहेगा, दोनों ही अनफेवर के हैं तो गए काम से। एक दोनों प्यार करें फिर तो मजा आ गया, फिर तो हम तो कह जैसा काम कर जाए, ठीक है, और दोनों ही मारे कौन, मम्मी पापा, तो गए हम। कुछ कुछ समझ में आया? तो फेवर क्या है, एनर्जी लिबरेट हो, और फैलना यानी डिसऑर्डरनेस बढ़े, तो डिसऑर्डरनेस जितना ना बढ़ेगी वो भी अपने आप में एक एनर्जी लिबरेट कर रहा है, और जितनी हीट लिबरेट करेगी वो भी अपने आप में क्या है, फेवर वाला है, तो एनर्जी लिबरेट करेगी उसे नेगेटिव बोलेंगे, और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ये दोनों फेवर है, 100% रिएक्शन हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कब होगा इक्विलिब्रियम, सेकेंड थर्ड में, समझ में आ रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में। इस बात को समझाया मेरे से पहले किसने, गिब्स ने, गिब्स ने कहा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है एक कंसेप्ट, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो दोनों एनर्जी की कंबाइंड फॉर्म है, इसीलिए इसको बोलेंगे फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी को क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज ये ऐसे क्या समझा रहा है कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपके पास है प्रोडक्ट और ये आपके पास रिएक्टेंट, ये है जी की वैल्यू, ठीक है, आप क्या चाहते हो, और ये है मिक्सचर पे कहीं पे, तो सबसे ज्यादा डेल्टा जी कहां पर कम हो रहा है, इन दोनों में, तो ये है आपके पास इक्विलिब्रियम वैल्यू। ये आ गया इक्विलिब्रियम,
समझ में आ रहा है? यहां डेल्टा जी आपके लिए क्या है, यहां पर जो जी है आपके लिए वो क्या है, डेल्टा जी जो भी है वो मिनिमम है। तो एक बार इक्विलिब्रियम आने पर, एट द इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उस जगह हमारे लिए डेल्टा जी उसके बाद क्या होगा, ना तो वो बढ़ने की कोशिश करेगा ना कम होने की कोशिश करेगा। तो एट द इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। इस जगह जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, ध्यान से सुनना, तो अब कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई एनर्जी लिबरेट नहीं होगी, कोई भी तरह का कोई एनर्जी लिबरेट नहीं, कोई तरह का कोई अमाउंट चेंज नहीं, और इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये पता है क्या रहेगा, बैलेंस बना के चलेगा इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर डेल्टा एच बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, जैसे किसी को जला दो, तो फिर वो पूरी रिएक्शन होकर ही खत्म रहती है, फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं बनाती। इक्विलिब्रियम में हमेशा इस तरह का रिएक्शन होगा कि एक जगह जाके दोनों का मिक्सचर बना रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेंगे, जिससे दोनों का एंट्रोपी बढ़ी रहे। डिसऑर्डरनेस हो गया ना, तो क्या चाहेगा वो कि रिएक्टेंट भी रहे प्रोडक्ट भी रहे, उनका मिक्सचर रहे। अगर पूरी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर डिसऑर्डरनेस रहा ही कहां, खत्म। हम चाहते हैं डेल्टा एच भी जीरो ना रहे, और डेल्टा एच के बारे में तो कहना ही क्या, वो तो जानते ही हो। इसलिए हम चाहते हैं कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस बना रहे, यानी अगर रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो वो हमारे लिए क्या दिक्कत हो जाएगी, उस जगह फिर हमारे लिए डिसऑर्डरनेस क्या रह जाएगा, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं बनेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ तो डिसऑर्डरनेस रहे, वो भी अपने आप में स्टेबिलिटी बढ़ाता है। समझ में आ रहा है? और हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो इसलिए इन दोनों में बैलेंस हो जाएगा। अगर रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है तो ये पॉइंट बी के सामने जाएगा, समझ में आ रहा है, इस तरफ जाएगा, और एंडोथर्मिक है तो ये पॉइंट इस तरफ आएगा। कोई डाउट? यानी एक्सोथर्मिक है तो ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट बना चुका होगा, थोड़ा सा पहले रुक जाएगी, और एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट बहुत कम प्रोडक्ट बनाएगा और शुरुआत में इक्विलिब्रियम आ जाएगा थोड़ा सा बना के। तो ये चीज आपके लिए कंसेप्चुअली है।